देखिए सबसे पहली बात, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के और क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए कि पांच अंक का ये एप्लीकेशन पूछा जाता है। अरे पांच अंक का एप्लीकेशन पूछा जाता है आपको हर हाल में, इस प्रकार का पूछा जाता है और कुछ दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों एप्लीकेशन हम बताएंगे। लेकिन पहले ये जो तरीका है सीखने का वो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखते रहिए आप। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ऐसे रहते हैं जो हेडमास्टर के पास में लिखने के लिए दिया जाता है या टीचर के पास में, ऐसे एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ कह दिया जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू इश्यू योर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, इशू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कहने का मतलब हो गया कि जब कभी आपको दे दिया जाता है डायरेक्ट कि आप एक एप्लीकेशन लिखे जो कारण है तो उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं कहा है, आप एकदम बारीकी से ध्यान देंगे। ये यहाँ पे कह दिया गया है कि यू आर रवि, ये एप्लीकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करना क्या, यू आर रवि शर्मा, इसका मतलब है कि आपका नाम कुछ भी हो ये यहाँ पे इंडिकेट कर दे यू आर रवि शर्मा। यू आर रवि शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दरभंगा, ठीक है। कहने का मतलब कि आप क्या करें कि प्लस टू विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, रहा तो दरभंगा में, तो राइट इन एप्लीकेशन टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपका नाम रवि है, सुनिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, आपका नाम रवि भी है और साथ साथ में क्या है कि ये आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं टीसी, जो परीक्षा पास करने के बाद में अगले विद्यालय में नामांकन के लिए जरूरत होता है, उसके मान पत्र के लिए आप अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास, प्राचार्य के पास एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल रहा है। और जान लीजिए ये पांच अंक के बाबू लोग, ये पांच अंक के कन्फर्म ये पूछा जाता है, और दो तरह से देगा, कभी यू आर रवि करके दे देगा या तो डायरेक्ट से दे देगा कि राइट एन एप्लीकेशन। तो पहले हम इस प्रकार के आज सीखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए ध्यान से लिखा है टू, सबसे पहली बात स्टेप बाय स्टेप, ये तो सबसे एप्लीकेशन लिखने का सबसे बढ़िया मेथड यही होता है कि टू जिस लाइन में लिखा है टू, तो टू वाला लाइन आप कुछ भी मत लिखे, छोड़ दीजिए वहां तक, टू लिखे छोड़ दीजिए। द प्रिंसिपल, एक चीज और फोकस करिए, यहां अगर प्रिंसिपल रहता है एप्लीकेशन टू इश्यू योर ट्रांसफर, अच्छा अगर प्रिंसिपल अगर जब कभी यहाँ पर प्रिंसिपल के पास दिया हुआ रहता है तो आप प्रिंसिपल लिख दीजिए, अगर हेडमास्टर के पास दिया हो तो हेडमास्टर लिखिए, अगर नहीं तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते, कोई जरूरत नहीं है प्रिंसिपल या हेडमास्टर। तो टू वाला लाइन हमें कुछ नहीं लिखना, छोड़ दीजिए। टू के नीचे आप देखिए, इसके नीचे कुछ मत लिखिए, इसे थोड़ा सा हट करके द प्रिंसिपल लिखे हैं, उसके ठीक नीचे आपको दे रहे हैं अपना विद्यालय का नाम मत लिखिए, इन्हें कि आप जिस विद्यालय पढ़ते हैं उसका नाम लिख दीजिए, आपको नाम नहीं लिखना क्योंकि आप उस विद्यालय का स्टूडेंट है जहां आपको लिख कर दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दिया हुआ है ना, तो उसी विद्यालय का नाम लिखना रहता है, नहीं कि आप अपने कॉलेज का नाम लिखना होता, नहीं, ये अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट आपको क्या है, सब्जेक्ट है आपको क्या चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए ना जी, तो सब्जेक्ट है कि इश्यू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब कि ट्रांसफर अगले कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, इसलिए आपको टीसी चाहिए, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, आपको मन कर रहा है कि रेस्पेक्टेड लिखे कि ना लिखे, आप सर भी लिख सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्टेड का मतलब होता है आदरणीय, आप थोड़ा सा आदर भाव के साथ में आप अपने टीचर को और रेस्पेक्ट दीजिए तो बेहतर है, लिखावट में और चार चार लग जाएगा। तो रेस्पेक्टेड सर, आई वेट टू से दैट आई हैव पास्ड माय हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 20 है, तो 20 के बाद में क्या करेंगे, तो 20 आप 2020, 2021, 2022 कुछ भी रहता है उसमें हम लिख देंगे, किसी को मन कर 2021 तो लिख देना, 2022 तो 22 लिख देना, हम इसने 20 करके छोड़ दिया। फ्रॉम योर स्कूल एज ए रेगुलर स्टूडेंट, पहले क्या मतलब कि आपको बड़ा देह भाव से कहना पड़ता है कि आई हैव पास्ड माई हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मैं अपना 12th क्लास
पास कर चुका हूँ। इन आप वर्ष डाल दीजिए, कौन सा पास कैसे, फ्रॉम योर स्कूल मतलब आपके विद्यालय से एज ए रेगुलर स्टूडेंट। कैटेगरी तो होता है, कैटेगरी तो होता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं इंटर का फॉर्म भरते हैं तो दो ऑप्शन आता है, एक होता है प्राइवेट का और एक आता है रेगुलर का। आता है प्राइवेट और रेगुलर आता है। तो जो बच्चा नियमित पढ़ने विद्यालय में जाता है, जो बच्चे कॉलेज में जिनका एडमिशन उनका फॉर्म भर रहे सब कुछ कर रहे हैं उनका सब पहले से है शुरू से, तो उन्हें हम रेगुलर बोलते हैं जो बच्चे पढ़ने डली जाते हैं। और जो बच्चे हम पढ़ते ही नहीं वो अचानक फॉर्म भर करके ठीक ना उसके बाद परीक्षा देना चाहते हैं तब वैसे बच्चे को क्या कहते हैं प्राइवेट। तो ये बताया कि रेगुलर स्टूडेंट मतलब मैं नियमित छात्र हूँ। आई हैव अप्लाइड एडमिशन इन अनदर स्कूल मतलब कि मैंने क्या किया कि अगले कॉलेज या अगले विद्यालय में स्कूल या कॉलेज का आप लिख सकते हैं ठीक ना, अपने अगले विद्यालय के लिए एडमिशन के लिए मैंने क्या किया फॉर्म अप्लाई कर दिया है ठीक है। देयरफॉर इसलिए आई नीड ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए हमें क्या है अभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रहा है। काइंडली इशू मी द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कृपया करके मेरा मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करें कि कृपा करें ठीक है। उसके बाद योर ओबीडिएंटली, ओबीडिएंटली का मतलब होता है बहुत आज्ञाकारी या आज्ञाकारी ठीक है। योर ओबीडिएंटली या ओबीडिएंट आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट में ओबीडिएंट पुपिल भी लिख सकते हैं। पुपिल, पुपिल का मतलब होता है शिष्य या शिष्य, छात्र और छात्रा से अच्छा सुनने में लगता है शिष्य और शिष्य। इसलिए योर ओबीडिएंटली लिख दिए रवि शर्मा। अब यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए, आप हैं क्या रवि शर्मा, आपका दिया गया है ना, आप हैं क्या रवि शर्मा, आप देख लीजिए क्वेश्चन में रहेगा रवि शर्मा तो अंत में आइएगा रवि शर्मा। ये नहीं कि एग्जाम में बैठ जाइए, एग्जाम में बैठने के बाद में आप क्या करिएगा, एग्जाम में बैठ जाने के बाद में आपका नाम रहेगा अनुज कुमार, आपका नाम रहेगा कुछ भी और वो अपना नाम नहीं लिखना। यहाँ पे आपका नाम दर्शा दिया गया कि आपका नाम क्या है रवि है, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे रवि। अगर मान लीजिए स्कूल का नाम देने हैं तो आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो उसका नाम नहीं लिखे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो स्कूल में देने रहेगा जो स्कूल का नाम देने रहेगा उसी स्कूल का आप नाम दे दीजिए और कुछ नहीं करिए। उसके बाद जो आता है इस प्रकार से उसी को लिखिए और बाकी के यहाँ सेव कर दीजिए। यही एप्लीकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसा एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये एप्लीकेशन बिल्कुल हमेशा पूछा जाता है। अगर आप लोग को अगर ये अच्छा लगा, अगर इसे समझ में आया तब इसे आप क्या करिए लाइक, उसके बाद में क्या करिए शेयर, और नए रहेंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपको हर दिन और आपको जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा मैं आपको लाइव क्लास 25 तारीख से बिल्कुल 25 जनवरी से बिल्कुल लाइव क्लास, मैं क्लास शुरू होगा आप देखना शुरू कर सकते हैं और लाइव क्लास करिए और उसी दौरान आप हर प्रकार से पूरे बिहार बोर्ड का पूरे 12th क्लास का मैं एक एक चीज 12th क्लास का पूरा लिटरेचर से हो पोएम से हो हर जगह से मैं आप लोग को स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हो सभी से एक एक ऑब्जेक्टिव मैं सारे कंप्लीट करके दूंगा और सब के सब ग्रामर में कंप्लीट करके दूंगा। और जहाँ से जो प्रॉब्लम रहेगा आप उससे पूछ सकते हैं, विशेष आपको रहेगा तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। और अभी अच्छा अगर लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, गुड इवनिंग।